Good morning, students. What's up? Good. Welcome to class UKG. Today I am going to teach you a part of maths. My topic name is AND. बच्चों आज मैं आप लोग को AND सिखाऊंगी. AND आप लोग को ऑलरेडी आती है. आप लोग डिजिट पहचानते हैं, काउंटिंग जानते हैं, लेकिन इसको हम नंबर लाइन पर कैसे ऐड करते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो आज मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ नंबर एक लंबी लाइन ड्रॉ की हुई है. जीरो से हमने टेन तक लिखा है, यानी ये नंबर लाइन पर हमने नंबर दिखाया है. बच्चों हम लोग इसी पर ऐड सीखेंगे. वन से हम काउंट करते हैं, लेकिन स्टार्ट होता है जीरो से. तो चलिए यहाँ पर क्या है, थ्री है और टू है. थ्री प्लस टू, तो क्या करेंगे, सबसे पहले थ्री है तो जीरो से हम ऐसे उठाएंगे. कहाँ पर आएंगे, थ्री. यानी इसके अंदर कितने पार्ट्स आ रहे हैं, वन टू एंड थ्री. उसके बाद कितना है, टू. तो क्या लेंगे, वन एंड टू. कितना हो गया हमारा, थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव. टोटल यहाँ कितना है, फाइव. यानी टोटल मिलाकर हो गया फाइव. ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए अब मैंने एक लंबी, अब मैं आपको सिखाती हूँ कैसे खींचना है, कैसे लिखना है. एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी है. सबसे पहले हम जीरो डालेंगे, फिर वन डालेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. बच्चों आपको टेन या ट्वेंटी, उससे आगे भी आप बना सकते हैं, जितना आपके पास स्पेस होगा. इस तरह से लिख के और उस पर हम शो करते हैं ऐड को. यहाँ देखिए मैंने क्या कहा है, पहले फोर है तो जीरो से हम लेंगे, काउंट करेंगे वन से, वन टू थ्री एंड फोर. यहाँ से स्टार्ट करके फोर पर आ गए, फिर कितना है, थ्री. तो वन टू एंड थ्री यहाँ पर पहुंच गए. इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन. सेवन पार्ट्स है, लेकिन इसको हम ऐड किए हैं कितना, फोर में थ्री को प्लस किए हैं. तो कितना हमारा हो जाएगा, फोर प्लस थ्री यानी इक्वल टू सेवन. देखा बच्चों आसान है ना. आप लोग नंबर लाइन पर भी इसको सीखे, आगे जब आप वन में जाइएगा तो ये आपको बनाना है. ठीक है, मैं फिर मिलूंगी और कॉन्सेप्ट.